जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। मैं योगेश मालविया आपको आज एमपी पुलिस का जो फिजिकल हुआ है उस पर पूरा फुल अपडेट देने जा रहे हैं। जैसे बात करी थी मैंने कमेंट में भी, इसके पहले जो वीडियो डाला उसमें बताया था कि अब आपको स्टार्टिंग से एंड तक, एंट्री से लेके एग्जिट तक आपकी क्या प्रोसेस हुई है, डॉक्यूमेंट के क्या प्रोसेस, कैसे फिजिकल हुआ है, कितना टाइम दिया गया, कितने बजे एंट्री हुई, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने फेल हुए और कितना क्या स्कोर हुआ। फेल तो कोई नहीं हुआ क्योंकि अभी तो स्कोरिंग होनी है, तो इसलिए फेल की कोई बात नहीं है। कितने लोग प्रेजेंट रहे, रेडियो के वालों का क्या स्कोर रहा और बाकी जीडी वालों का क्या रहा, होमगार्ड के भी आज प्रेजेंट थे और गर्ल्स भी थी काफी बेस्ट। तो आज जानते हैं, हमारे साथ अभय मीणा है और ये कहाँ से है? मानपुरा गुजरात के पास, राजगढ़। ओके, राजगढ़ जिले से आए हैं। इनका आज फिजिकल था, आज मोस्टली मोतीलाल ग्राउंड में जिनका फिजिकल था वो राजगढ़ जिले में ही था, मतलब राजगढ़ जिले वालों का ही आज फिजिकल। सारे लोग राजगढ़ के थे, मैक्सिमम राजगढ़ के थे, तो ये लोग सब अंदर एक दूसरे को पहचान रहे थे। तो आज लगभग, जैसे आपको नोटिफिकेशन में आपको अपडेट मिल चुका था ईएसबी की, 210 हर दिन का फिजिकल होना है, तो अभय से जानते हैं कि लगभग आज कितने प्रेजेंट थे। और हाँ अभय बताइए। जब मैं अंदर गया था तो वहाँ थे 163 लोग थे। जब मैंने एसआई सर से पूछा कि कितने, तो उन्होंने भी कहा कि बस इतने लोग आए आज। ठीक है, 163 प्रेजेंट थे। और एक और चीज है जिसे बहुत लोग डर रहे थे कि हम लेट आएंगे तो एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं खुद वहाँ 10-11 बजे तक रुका था, तो वहाँ पे 10-11 बजे तक भी कॉलिंग हो रही थी कि कोई आया है तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी, मतलब 1 बजे तक 2 बजे तक लेट तक आप एंट्री ले सकते हो, बट ऑब्वियसली रनिंग करना है, इवेंट देना है, तो मॉर्निंग में हो जाए फ्रेश एयर और फ्रेश लेग के साथ तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अभय से अब जानेंगे हम लोग कि स्टार्टिंग में एंट्री के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका थंब इम्प्रेशन, फोटो, सारी प्रोसेस, उसके बाद एंड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फिजिकल में क्या हुआ, तो अभय बताएंगे। हाँ अभय, जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरा एडमिट कार्ड चेक किया गया, फिर मुझे बेंच अलॉट कर दी उन लोगों ने। ओके, अंदर आप पहुंचा, एक फॉर्म उन्होंने फिल करवाया, फॉर्म फिल करवाया, फिल करवाने के बाद मेरा फिर से एक बार वेरिफिकेशन हुआ। ओके, उसमें मेरा वो एडमिट कार्ड आधार कार्ड, वो तीन दोनों चेक किए गए, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड चेक हुआ और आधार कार्ड की फोटो कॉपी सबमिट हुई। वो अपने साथ था, वो चेक करना था उनको, चेक करना, फिर वापस कर दी गई। ठीक है, फिर वहाँ से मुझे आगे बिठाया गया, फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह बिठाया गया, फिर अंदर फिर ग्राउंड में ले गए। ठीक है, ग्राउंड में ले गए, चेस्ट नंबर या चिप, पहले ग्राउंड में ले गए, फिर एक बार फिर बिठाया, फिर वहाँ से उठा के फिर उन्होंने आगे बिठाया। मतलब चार जगह उन लोगों ने बिठाया अलग अलग, चार जगह आपको अलग अलग जगह बिठाया। एक मेन टेंट था जैसे मैंने सुबह के वीडियो में दिखाया, वहाँ वो आपका वेरिफिकेशन हुआ जो सबसे बेसिक वेरिफिकेशन था, थंब फोटो। उसके बाद एक बाजू वाले टेंट में आपको चेंज वेंज करने का समय दिया, फिर वहां रख के फिर एक अंदर ले आके बैठाया गया एक जगह, फिर चौथी जगह गए। ठीक है, चौथी जगह हम पहुंचे, उसके बाद जानते हैं। फिर वहां जाके उन्होंने फिर एक बार फिर वेरिफिकेशन किया। ठीक है, फिर आपको कपड़े चेंज करने का मौका दिया, फिर वहां से आप ट्रैक पे पहुंच गए। ठीक है, तो वार्म अप करने का कितना समय क्या मिला, कैसे? कम से कम आप देखिए, जैसे कि एक फाइल अभी लाइन में खड़ी है तो आपके पास फिर जब तक उनका पूरा होगा उतना आपके पास टाइम रहेगा आराम से वार्म अप कर सकते हैं 3-4 मिनट। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आज 165 या 163-164 लोग आए, तो आपको 10-10 के जो बैच बने उसमें एक अपने जैसे एमपी पुलिस के ऑफिशियल से उनको एक पर्सन को अलॉट कर दिए गए थे, 10 पर्सन। वो 10 पर्सन पूरे स्टार्टिंग से एंड तक उन्हीं के साथ में थे। हाँ। और वो ही वो उनकी आपकी पूरी फाइल अपॉइंटमेंट है, एक एसआई और एक कांस्टेबल पूरे टाइम साथ रहा, पूरे 10 पर्सन पे एक एसआई और एक कांस्टेबल पूरे साथ, मतलब ये अच्छी बात बताई। आपको हर जगह बताएंगे जाके कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको पूरी डिटेल देंगे, पूरा गाइड करेंगे, पूरा मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले रनिंग हुई, रनिंग में आपका चेक वेक भी करवाया था कि एक बार उन्होंने सबको एक बार आगे से निकलवा के चेक करवाया कि हाँ सब आपका सेंसर सब चल रहा है और रनिंग टाइमिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद रनिंग का एक्सपीरियंस बताइए आप, आपकी वहाँ कितनी आती थी, यहाँ कितनी आई, ट्रैक कैसा लगा, नंगे पाव दौड़ सकते कि नहीं दौड़ सकते, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज। मेरी 2:30 थी। हाँ, और यहाँ पे आई अभी टाइमिंग 2:30, मेरी अभी 2:23 आई है, 2:23 आई है, 2:23 आई है, मेरी इतने प्लस में था। और जैसे ट्रैक है तो नंगे पैर आप दौड़ सकते हो, दौड़ सकते हैं। उसमें ऐसा हल्का सा मुझे लगा कि उसमें जूता जो है पीछे खिसक रहा है, लेकिन बस वो थोड़ी सी दूरी लगा, बाकी मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, ग्राउंड बढ़िया था, बढ़िया था। स्टार्ट मिलने की बात होती है, एक बार स्टार्ट मिल जाए, कर्व पे थोड़ी सी समस्या आई थी, बाकी सब ठीक रहा। मतलब आपकी 2:23 यहाँ टाइमिंग आई, वैसे 2:29 आती थी, ठीक है, वेरी गुड। तो रनिंग हुई, इसके बाद ऐसा था कि सबको 3-3 सेकंड टाइमिंग आई, मतलब लगभग आपने जाना होगा आपके बैच में और किसकी कितनी टाइमिंग रही थी। मेरे बैच में एक और था जिसकी 2:23 थी, बाकी फिर एक 32 वाला भी था, फिर 40, मतलब बाकी सब लोग थे वो रेडियो वाले, रेडियो इनके बैच में एक्चुअली रेडियो वाले ज्यादा थे, तो वो उनकी सबकी ऑब्वियसली 3:28 आई गेस क्वालिफाइंग टाइमिंग है,
तो सबकी वो 3:30 तक आई होगी, तो इनका उन पे ध्यान गया भी नहीं होगा। तो और जानते हैं अब ऐसे कि बाकी लोगों की क्या टाइमिंग आई है। इनकी टाइमिंग तो हमने जान ली, और बाकी लोगों की भी क्या टाइमिंग रही है, कम हुई है, घटी है, बढ़ी है? हाँ भाई बताइए। देखिए ज्यादातर लोगों की टाइमिंग बढ़ी है, बड़ी है, okay. बड़ी है। जिनकी 20 आई है उनकी 22 भी हुई है, 23 हुई है, किसी किसी को 30 तक भी पाई है। okay. मैंने एक से पूछा था, उसकी ऐसे टाइमिंग थी 27 और उसकी माँ आई है 35। ओह माय गॉड, मतलब बड़ी भी है टाइमिंग। अभी मैं सोचिए, क्योंकि एक्चुअली जो मोतीलाल ग्राउंड में किसी ने टाइमिंग देने भी गए होंगे ना, तो वो हल्का सा इतना करीब 1 फीट तक उनने बढ़ा दिया, ग्राउंड को बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया हल्का सा, बट वो होगा 800 ही, बट किसी ने वहां पे टाइमिंग दी होगी, तो आपको समझ आया होगा कि आप पहले कम एरिया में आपके दौड़ के आए हो, तो वो आपकी आ गई है वहां कम। एक्चुअली आपकी टाइमिंग अब जो आएगी वो ही बेस्ट होगी, तो आप डीमोटिवेट ना होइए। जैसे अभय की टाइमिंग कम हुई है, ऑब्वियसली इसने 6 सेकंड कम किया है, तो आप भी कम कर सकते हो। इनने रोड पे ही रनिंग करी पूरे टाइम, कर्व का इनको आइडिया नहीं था, उसके बाद भी इनने कम करी है, तो ऑब्वियसली जो कर्व पे रनिंग कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी बिल्कुल कम होने के चांसेस है। तो रनिंग के भी आपको कुछ मार्क्स स्क्रीन पे डिस्प्ले शो हुआ था, कैसा क्या शो हो रहा था? जैसे कि आपकी रनिंग खत्म होती है, इसके 2 मिनट बाद आपको स्क्रीन पे आपके नंबर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, नंबर दिखा देंगे, फिर एक प्रिंट निकाल के लाएंगे, फिर उस पर आपका साइन मिलेंगे। अगर उसका भी एक रनिंग का भी प्रिंट आएगा, प्रिंट आएगा, फिर उस पर सबके नंबर लिखे होंगे, फिर उस पर साइन करवाएंगे वो आपसे, आपका आप अपना चेक करोगे और हर पर्सन की साइन करवाएंगे। जैसे पूरी फाइल है, पूरी फाइल का चेक नंबर वो साइन होंगे। ये काफी अच्छा अपडेट बताया। जैसे रनिंग का होगा, ऐसी लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, सभी 10 पर्सन का प्रिंट निकलेगा, उस पर आपकी कितनी टाइमिंग आई है, कितना लॉन्ग जंप आया, कितना शॉर्ट पुट आया, उस हिसाब से आपको नंबर अलॉट भी होगा। और एक और चीज, वहाँ पे मेजर मीटर में हो रहा है, फीट में नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में भी मीटर में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली मीटर में ही हो रहा है। ऐसा है कि जैसे कि हमें यहाँ कूदते हैं या फिर गोला फेंकते हैं, तो हमें पता होता है हमारा इतना गया, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बता भी नहीं रहा, बता भी नहीं बोल रहा, आखिरी में सबका आएगा, देख चेक कर लेना, चेक कर लेना एक तरीके से, मतलब। और मैंने उन लोगों से पूछा था, मैंने कहा सर ये तो बता दोगे 28.5 कितने पे होगा, बोला भाई तू आखिरी में आना, देख लेना जो तेरा आएगा, तो ये भी मार्किंग भी नहीं है कुछ, मतलब एक तरीके से ना मार्किंग, जैसे अपन ग्राउंड में बहुत जगह चूना डाल के मार्किंग कर लेते हैं कि ये तो यार 28 है या 29 है, मैं उतना फेंक दूंगा, या ये लॉन्ग जंप 16 है तो मैं इतना फेंक दूंगा, कवर कर लूंगा, बट वो वहां पे इतना चांसेस नहीं है। आपको मतलब 3 चांस मिले, फुल एफर्ट लगा देना है, लॉन्ग जंप में भी, शॉर्ट पुट में भी, और इवन आपकी रनिंग में, तो ऑब्वियसली 800 मीटर का समय, 14 महीने से आप दौड़ रहे हो इस 2.5 मिनट के लिए, तो इस 2.5 मिनट में अपने आप को यूटिलाइज कर लो, 2 मिनट 20 सेकंड 30 40 जो भी जिसकी जितनी टाइमिंग आती है। तो चलिए रनिंग होगी, इसके बाद कितने गैप के बाद लॉन्ग जंप हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, कैसे क्या प्रोसेस हुई इसके आगे? तकरीबन 30 मिनट के बाद हम लोगों को गोले पे, आपका बैच नंबर कौन सा था, मतलब फाइल नंबर? फाइव था इनका। और कितने बजे अप्रोक्स रनिंग हुई? 7:30 के बाद, मतलब 5वीं फाइल का 7:30 पे रनिंग टाइमिंग आ गया, लगभग 7:15 पे पहला बैच चालू कर दिया गया था, फिर रनिंग तो आपकी थोड़े कंटिन्यूशन में होती गई, फिर गैप के बाद लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट हुआ। रनिंग का तो ऐसा था, एक बैच गया, फिर दूसरा आया, तीसरा ऐसा चलता रहा, रनिंग कंटिन्यूटी, रनिंग कंटिन्यूटी। ये अच्छी बात है कि आपको रनिंग सुबह जल्दी हो रही है, मतलब 7 से 8 के बीच लगभग हो रही है, तो ये अच्छी बात है। और गर्ल्स के कितने बैच थे अप्रोक्स, आपको आइडिया? गर्ल्स के 2 बैच थे, 2 बैच थे गर्ल्स के, ठीक है। तो और लास्ट में 2 लड़की बाद में आई थी, उनको दोनों को फिर दौड़ाया, अलग से दौड़ाया, अलग से दौड़ाया, मतलब ये आपको एक और चीज अच्छी पता चल रही है कि आप बिल्कुल अलग से आए हो, एंड में आए हो, और तो आपका फाइल भी नहीं बनी है, वो तो ऑब्वियसली किसी ने किसी को अपॉइंट किया होगा, तो उस 2 को भी अलग से आपने करवा रहे हैं, या कोई बॉयज भी? ऐसा ही सर थे, मैंने पूछा कि सर जैसे इसमें टाइम दिया 6 बजे का, तो ये बताइए लास्ट टाइम क्या? उन्होंने कहा अगर 5 बजे तक भी कोई बंदा आएगा, शाम के पांच बजे तो हम उसको दौड़ाएंगे। और बहुत सपोर्ट, इतना इससे ज्यादा सपोर्ट तो मतलब मेरे हिसाब से कहीं मिलेगा। उसमें एक चीज ऐसी भी थी कि एक लड़के ने पूछा था, उसके दोस्त का भी फिजिकल है शायद 20 को, उसको चोट लगी है, तो डॉक्टर ने बोला कि तू 15 दिन का रेस्ट कर, तो उसने पूछा, तो सर ने बोला कि उसको 20 तारीख को भेजना, वो यहाँ आएगा, मेडिकल रिपोर्ट दे देगा, तो उसका जो कमेटी बैठेगी वो उसका फैसला लेगी, हो सकता है उसका बाद में फिजिकल करवा सके, अगर आपको कोई चोट, अगर आगे एक्सटेंशन का बता रहे हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा सीरियस चोट है, आप अगर मेडिकली आप उसका एक्सरे या डॉक्टर से रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए प्रॉपर डॉक्टर से लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि फर्जी बना के और पट्टी लपेट के आ गए, आपको प्रॉपर वहाँ पे मेडिकली चेक भी करेंगे, वो कुछ चेक करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम चेक करेंगे, अगर हमें लगा कि सही में इसको प्रॉब्लम है तो हम इसको डेट एक्सटेंड, मतलब डेट एक्सटेंड का आपको बता रहे मौका कि कैसे हो सकता है, ठीक। तो रनिंग के बाद आपकी शॉर्ट पुट हुई, तो शॉर्ट पुट का कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्या बताइए? जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, हमारी फाइल, हम सबको बैठाया गया कुर्सियों पे, ओके, फिर हमारे एक बार फिर से चेक हुआ, फिर से थंब लगाया गया, मिडिल फिंगर लगी इस बार, ओके, वो जैसे सबका फाइल, पूरी फाइल का हो गया, फिर वहाँ बैठाया, ओके, फिर जैसे ही मेरा फर्स्ट था तो मैं गया गोला फेंकने, फिर मैंने गोला फेंका, उन्होंने पहले बताया था, हमें पूरा दिखाया था कि ऐसा ऐसा कि हाँ ये करोगे तो फाउल हो जाएगा, रूल्स बताए थे कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे फाउल हो जाएगा,
फिर गोला फेंका गया, फिर उसको नापते हैं वो लोग, फिर आपको बिठाते हैं। जब आप 10 लोगों का हो जाएगा, कुछ डिजिटल डिजिटल था उनके पास, कुछ थी उनके पास, स्टिक थी एक, उससे उन्होंने नापा, वो जहाँ आपका गिरेगा वहाँ रख देते हैं और मेजर हो जाता है। ऐसी लॉन्ग जंप का भी ऐसा ही लॉन्ग जंप का था, मीटर में नापते हैं और आप वहाँ पे वो लगाए डिजिटली बोर्ड लगाए, नहीं बोर्ड लगाए तो उसमें आप देख सकते हो आपका कितना है आखिरी में। अच्छा ओके, मतलब नंबर्स का भी चार्ट लगा हुआ है, और जैसे कि आपके सामने तीन हो जाएंगे। तो लॉन्ग ये अपने शॉर्ट पुट पे थे हम लोग, तो शॉर्ट पुट में किसी का फाउल हुआ है? मतलब नहीं, किसी का नहीं हुआ फाउल, किसी का नहीं, किसी का अटेम्प्ट लिए, ठीक है। मतलब शॉर्ट पुट में कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, बढ़िया फ्रेश गोला दे रहे हैं, गोला पकड़ने उसमें ग्रिप अच्छी है, ग्रिप अच्छी, मतलब ग्रिप अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट पुट का बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। अब जिस पे टेंशन होने वाली है हम उस पे चलते, जिसके कारण सभी के नंबर भी कम हुए हैं और भोपाल में तो बिल्कुल ही दिक्कत हुई है। लॉन्ग जंप की बात करते, गर्ल्स बॉयज सभी को दिक्कत हुई है। हाँ भाई, लॉन्ग जंप का एक्सपीरियंस बताओ। जैसे ही गोला होने के बाद में हम तकरीबन एक घंटे के लिए बैठा दिए, क्योंकि गैप बहुत कर दिया, गैप ज्यादा कर दिया, बॉडी थक चुकी थी। फिर उसमें करा तो उसमें पूरा सपाट है, ट्रैक इतना अच्छा है नहीं, और जिसके बाद में थक जाती है बॉडी, तो फिर कुछ रेपट लगता ही नहीं आपसे। बस ये कि आप आए और कर गए, मतलब वो बॉडी वार्म अप नहीं हो पाई ना, नहीं होती अपन जैसे ग्राउंड में, अपन जैसे ट्रायल देते हैं ना, कंटिन्यूएशन में देते हैं तो थोड़ा सा बॉडी गर्म रहती है, बॉडी यहाँ पूरी कूल डाउन होने के बाद आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, और उस तीन स्प्रिंट में आपको 20-30 मीटर की स्प्रिंट में आपको बॉडी गर्म करना, आपके लिए भी मतलब फिर एक टैलेंट होना चाहिए अलग से। तो उसके लिए कुछ वार्म अप के लिए टाइम दे रहे थे क्या? लॉन्ग जंप के लिए हल्का सा वार्म अप कर ले, आप कर सकते हो, कर सकते हैं। कुछ आपको टाइम किसी को नापना है, कुछ मेजर ना, करना है, ऐसे नापने के लिए बिल्कुल नाप सकते हो अगर आपको समय दे रहेगा अभी, तो ये बहुत अच्छी बात था, उसमें आप जो चाहो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लॉन्ग जंप में स्पाइक्स अलाउ है कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ उन्हें कंडीशन लगा? मैंने जो हमारे साथ कॉन्स्टेबल थे, मैंने पूछा सर क्या स्पाइक अलाउ है, तो उन्होंने कहा देखो वो खोती इसीलिए है तो आप ला सकते हो, इस पे कोई बैन नहीं है, बैन नहीं आप ला सकते हो, मतलब ऐसा कुछ अभी तक मतलब बैन का तो नहीं बोला है, और शायद आज किसी ने यूज भी नहीं किया है, नहीं आज किसी ने। हाँ, मतलब लड़कों को डर है कि भाई यूज करेंगे या कुछ स्टाफ डांट देगा, तो अभी तक वैसे कुछ इशू नहीं आया है। तो आप लोग अगर लग रहा है तो आप यूज करें, जो यूज करते हैं तो लेके जाए, तभी आपको पता चलेगा कि शायद अलाउ है कि नहीं है। बाकी नंगे पाओ और इससे करने से अच्छा जो प्रैक्टिस अगर स्पाइक्स में कर रहा है तो कर सकते हैं। आज का भी काफी क्वेश्चंस आए थे कि डिजिटल वॉच पहन सकते हैं क्या, मतलब रनिंग के टाइम पे जैसे अगर पहन सकते हैं। मैंने एक लड़के को पहनते देखा था, उसके पास टाइम लगाया था, मतलब वॉच भी आप पहन सकते हो, इतना इशू नहीं होगा। मतलब अगर आपको अपनी टाइमिंग ही देखना है, आपको कवर करना है कि मेरा एक राउंड कितने में आया, क्योंकि सभी को आदत है, मतलब एक साल से दौड़ रहे कि एक राउंड की टाइमिंग सुनने का तो कंप्लीट करने का, तो उस हिसाब से आप पहन सकते हो, इतना इशू नहीं बना रहे। और ठीक है, लॉन्ग जंप का आपका और थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब क्या लैंडिंग और कैसा सपाट लगा, कितना क्या आपकी वहां कितनी आती थी, यहाँ कितनी आई? मेरी जो मैं तैयारी करता था वहाँ 16-16.5 के तकरीबन मेरी आती थी, और यहाँ मैं 15 ही जा पाया, 15 ही। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, सबके साथ था वहाँ पे, जिनकी 17 आती थी वो भी 15 कूदे। मेरे ही बीच में एक लड़का था जिसकी 17 वो आती थी लॉन्ग जम्प, वो खुद 15 कूदा है। ओके, और ऐसा मतलब मैं बोलता रहा हूँ, जितने से मैंने पूछा उनकी लॉन्ग जम्प सबसे ज्यादा, अगर किसी में अगर आप बोले की परफॉर्मेंस खराब हुआ है, वो एक्चुअली लॉन्ग जम्प में ही सबका डाउन हुआ है। बाकी मोस्टली गोला में आपका गोला कितना जाता था? मेरा गोला पूरा जाता था, पूरा वहाँ पे कितना जाता था? वही 28-29। और यहाँ पे कितना गया? यहाँ पे 29। 28-29, मतलब इनका गोले में कोई चेंज नहीं आया, और रनिंग तो इम्प्रूव लाई है इन्हें। इनका जो भी नंबर कम हुए हैं या जो भी नंबर लेस बने हैं, वो केवल लॉन्ग जंप के कारण। तो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस जिनको समय है थोड़ा ध्यान से करे, आपको प्लेन ट्रैक पे ही करना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि प्लेन इसमें ही जंप लाए, जितनी आप जंप उसमें ला पा रहे उतना आप मोतीलाल में ऑब्वियसली एफर्ट लगा लोगे। थोड़ा सा नापने का उनका क्या कैलकुलेशन, जो स्टिक लगा रहे थे कैसे क्या, बहुत स्ट्रिक्टली मैंने सुना बिल्कुल फर्स्ट इंपैक्ट जैसे से। कि आपका जैसे पेट टच होगा वो कहीं से नाप रहा है, मतलब आपकी हील से नाप, हील से नाप रहे ना, कोई पीछे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे भी रेत दसी यहाँ से तो फिर वहीं से नापेंगे। और गोले का, गोले का ये कि जहाँ गोले का पहला इम्पैक्ट पड़ेगा आगे से, तो गोले वहां से नाप रहा है वो, ठीक है। तो मतलब काफी स्ट्रिक्ट जो मेजरमेंट हो रहा है, काफी स्ट्रिक्ट हो रहा है लॉन्ग जंप में भी। जैसे बिल्कुल फर्स्ट अगर रेत जहाँ से उड़ी है बिल्कुल वहीं पे वो लोग स्टिक रख रहे हैं, तो वहीं से मेजर हो रहा है। तो काफी टफ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबके लिए टफ होगा, ऐसा नहीं है आपके लिए टफ होगा। अगर उनके लिए तुम्हारे लिए भी स्ट्रिक वहीं लगाइए तो बाकियों के लिए भी ऑब्वियसली टफ होगा। ये नहीं होगा कि मेरी 15 कर दी तो दूसरे की 16 नाप दी। मेजरमेंट बढ़िया चल रहा है, स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा स्टाफ लगा के रखा है, तो प्रोसेस अच्छी है, फास्ट है। बट अभी जब मैं इनसे 3 बजे, अभी हम जब इंटरव्यू ले रहे हैं अभी लगभग 4:15 हो रहा है, ये मुझसे मिले 3:30-4:15 बजे तक भी कुछ 10वें या 12वें बैच की लॉन्ग जंप
और शॉर्ट पुट चल रहा हुआ था और इनका जल्दी हो गया था और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो ये जल्दी छूट गया। चलिए तो इवेंट हो गया, इसके बाद कितने देर बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चालू हुई और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगे स्टार्टिंग से आपको बताइए क्या अरेंज किया था? उसके बाद हम तकरीबन फिर एक घंटा बैठे, फिर एक घंटा बैठे। जो पहले की फाइल थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा था, ठीक है। फिर जैसे ही उनका हुआ फिर हमें लेके गए वो, हाँ तो उसमें आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड मार्कशीट 10-12 मार्कशीट, रोजगार पंजीयन, मूल निवासी और कास्ट सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड, मतलब बेसिक 6-7 चीजें। ग्रेजुएशन अगर किसी ने, ग्रेजुएशन उसको नहीं मांगा, कंपलसरी नहीं है। मैंने खुद लेके गया था तो मैंने पूछा था मैं क्या करना, तो उन्होंने कहा निकाल दो इसे, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। हाँ मतलब फिर देख लीजिए ग्रेजुएशन आपको ले जाना है, जैसे आपके पास शादी मेरिट सर्टिफिकेट है या बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आपने करा तो वो लेके जाइए। हाँ जैसे मैरिड वाले तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, एनसीसी वालों का वो सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक है या एक्स सर्विस मैन है, और उसके अलावा यही मतलब बेसिक यही डॉक्यूमेंट्स है। अब आते हैं हम लोग सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, रोजगार पंजीयन पे। तो रोजगार पंजीयन में मतलब नया चाहिए पुराना चाहिए कैसा क्या, मतलब अगर आपका पुराना एक्सपायर हुआ है तो आप पुराना लेके जाइए और साथ में नया भी लेके जाइए। नया भी मतलब यही सबसे बड़ा सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है, किसी का भी रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया, 3 साल की वैलिडिटी है, उसने रिन्यू नहीं कराया, एक्सपायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो वाला भी लेके जाना, आप नया बनवा लिया आपने, नया सब कुछ इश्यू हो गया, नया भी लेके जाना, दोनों लेके जाना, किसी को बाहर नहीं कर रहे रोजगार पंजीयन में। मेरे देश में एक लड़का था जिसका रोजगार पंजीयन वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था, लेकिन उसका चल गया वो, उसने नया नहीं दिया, पुराने चल गया। हाँ अभी बिल्कुल अभी। और रेडियो की बात करें, रेडियो के डॉक्यूमेंट्स में क्या लग रहा है आइडिया आपको? रेडियो के डॉक्यूमेंट में जैसा जीडी का जो है वो तो है ही सही, लेकिन उनका एक्स्ट्रा मार्कशीट जो है जो टेक्निकल मांगी है। मेरी अभी टेक्निकल वाले बंदे से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि सीएस भी अलाउ नहीं करा है, जहां तक आईटी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी ब्रांच है, 2 साल का आईटीआई हो, 3 साल की डिग्री हो, और या तो 4 साल की डिग्री हो आपके पास, 3 साल का जो कोर्स होता है डिप्लोमा वो हो, यही सारे में अलाउ कर रहे हैं, 3 ही ब्रांच अलाउ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों से रिलेटेड ब्रांच। ऑब्वियसली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं अलाउ करेंगे, एंड में आपको हो सकता है पूरा इवेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट में बाहर कर दे। तो यही है, डिग्री वालों को काफी कंफ्यूजन है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने, आपको यही डॉक्यूमेंट लेके जाने, तो आप ज्यादा घबराए नहीं, अपने बेसिक जीडी वाले जो डॉक्यूमेंट ये और इसके साथ जो आपके ग्रेजुएशन और उसकी मार्कशीट से सारी फाइनल डिग्री, फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और जो 2-3 साल के कोर्स की मार्कशीट से वो भी लेके जाना है, उनकी फोटोकॉपी भी लेके जाना है, और बाकी अपडेट आपको वहां पे मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, बट ये आपके पास जो है वो तो बिल्कुल लेके जाना ही है। तो डॉक्यूमेंट की ये सीरियल कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे जमाना है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लगाना है, फिर आधार कार्ड है, मार्कशीट है 10-12 की मार्कशीट, ओके, फिर उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है, रोजगार पंजीयन है, मूल निवासी, ठीक है ठीक है, ये चीजें हो गई। और एक और बाकी को बता देंगे कि आप ऐसे जमा लीजिए, अगर आपका क्रम वाइज जम नहीं रहा तो उनसे पूछ लीजिए, वो बता देते हैं, मतलब काफी हेल्पफुल है, ऐसा कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि आप घर से बिल्कुल जमा के गए हो वैसे ही जमा, आप ऐसा जमा लेना, एक आध दो डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होते तो वहाँ पे भी सेट हो जाएंगे, इतना कोई इशू की कोई जरूरत पड़ी नहीं मुझे मेरे। अच्छा पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत कोई मांगा ही नहीं। तो ये एक और है, ज्यादा फोटो के पीछे मत करना, ज्यादा जो आपके पास फोटो है सिंपल लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, जो पुरानी रखी हो नई रखी हो सब ले जा लेना, ज्यादा परेशान ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल चेक होंगे और फोटोकॉपी सबमिट होगी, एक सेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और जो भी जैसे अभी मैंने वीडियो डाला था उसमें कमेंट में काफी क्वेश्चंस आए थे तो हम क्वेश्चन जानते हैं। हाँ बताइए सुशील, क्वेश्चन बताइए। स्पाइक्स को लेके काफी, स्पाइक्स के लेके तो वो हमने बता दिया वीडियो में स्पाइक्स के बारे में, बैकपैक्स अलाउ कर रहे हैं, बैकपैक्स, हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि बैग आप कैरी कर सकते हो कि नहीं, उसमें जैसे हमें फल फ्रूट लेके जाने हैं, जूस लेके जाने हैं, नारियल पानी लेके जाना है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी वाली ड्रिंक लेके जानी है, तो ये लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो अब ऐसे ही जानते हैं कि क्या वहाँ पे बैग का क्या रहा है। आप बैग ले जा सकते हो, बैग आपके साथ पूरे टाइम, आपका बैग आपके साथ ही रहेगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट सब आपके बैग आपके साथ ही रहेगा, उनका कहना है कि बैग का ध्यान आप ही को रखना है, अगर आपको गम जाता है जो भी आप ले जा सकते हो, बोलेडी लगाना हो या फिर कुछ कुछ लेके गया था, कोई ड्रिंक पीना हो एनर्जी वाली या कोई चॉकलेट खाना हो या सब फ्रूट सब ले जा सकते हो, मतलब बहुत फ्री माइंड है, कोई दिक्कत नहीं, बैग आप पूरे टाइम साथ में रख सकते हो।
लॉन्ग जंप में भी आपको साथ रखना है, शॉर्ट पुट में भी शायद आप ही को उसका ध्यान रखना है, तो अंदर ग्राउंड में बैग ले। शॉर्ट पुट के टाइम पे मेरी कलाई में दिक्कत थी, तो मैं जो रिक्स बैंड होता वो ऐसे बांधता था, तो उन लोगों ने उसे मुझे बांधने से मना कर दिया। ओके, ये उनका कहना था कि अच्छी चीज बताइए आपने, क्योंकि हमारे ग्राउंड में भी काफी लोग रिस्ट बैंड का यूज करते हैं। यहाँ तो लगा सकते हो आप, लेकिन यूं नहीं लगा सकते, हथेली नहीं आना चाहिए, हथेली को कड़वा नहीं कर सकते, उंगलियों पे टेप लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, टेप लगा सकते हैं, व्हाइट टेप। एक अच्छी चीज बताई, कलाई पे पहन सकते हो, कलाई पे जो रिस्ट आएगी ये नहीं होगा आपका, मतलब आपका जो हैंड है ये हैंड पूरा क्लीन दिखना चाहिए, आप इस पे कोई लपेटा हुआ नहीं चाहिए। अगर बैंड आपके पास है तो आप रिस्ट पे बांध सकते हो, कलाई पे। मेरे यहाँ पे दिक्कत दर्द था, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ले जाने की कोशिश, मैंने कहा कि नहीं आप कलाई पे लगा लीजिए, उंगलियों पे टेप लगा लीजिए, लेकिन आप यहाँ नहीं बांध सकते। ये काफी एक बारीक चीज बताई इनने, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मतलब देखिए, जैसे आपकी रनिंग खत्म होगी, जिसके थोड़ी देर बाद आपको आपका नंबर बता दिया जाएगा, आपको आपका नंबर याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट पुट पे जाएंगे तो आपकी तीनों आ जाएगा कि कितना फेंका, जो हाईएस्ट होगा उसका नंबर वहाँ शो हो जाएगा, फिर आपका साइन होगा। ऐसे ही लॉन्ग जंप में तीनों का होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका नंबर आ जाएगा। आपको तीनों जोड़ के कब मिले, तीनों नंबर आपको याद रखना है, जोड़ देना, वो कोई जोड़ के नहीं बताएगा, कोई जोड़ के नहीं बताएगा। मतलब ये काफी अच्छा अपडेट बताया, ये आपको बहुत बारीक चीज है, तो कोई बताएगा नहीं, तो अभी से जानते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, अगर आप जब आपका नाम ले तभी आपको जानना, आप किसी दूसरे के नाम पे चले जाएंगे तो फिर वो आपका उसी कुछ दूसरे के में काउंट हो जाएगा। ओके, आपका जो एक अटेम्प्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर जैसे इनका है 702 नंबर चेस नंबर और 703 मेरा है, 702 बुलाया गया अभय को, बट मैं जाके कूद गया, तो मैं कूदा तो मेरा जो अटेम्प्ट है इस केस में काउंट हो जाएगा, मतलब वहाँ इस केस में चढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा बोलता है, तीन ही अटेम्प्ट दिए जाएंगे, तो ये मतलब ये काफी मिस्टेक चल रही है, ऐसी हो जाएगी, तो आप इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका जब नाम बोला जाए तो आप ही जाए, दूसरा कोई ना जाए। मतलब ये आपका भी लॉस है, उसका भी लॉस है, मान लो वो ज्यादा कूदने वाला हो या कम कूदने वाला हो, आपने उसको कूद के दे दिया ज्यादा, तो इसमें किसी का भी लॉस हो सकता है। ये काफी उनका सिस्टम, बिल्कुल सिस्टम सेट चल रहा है सब कुछ, वहां जो डेटा फीड होगा बाकायदा बार कोड से जो स्कैन हो रहा है वही डेटा आपका फीड हो रहा है। तो और एंड तक बताइए, तो फिर अभी अभय के हम मार्क्स भी जानेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ प्रोसेस और आगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको गेट के पास ले जाया जाएगा, जहाँ आपका चेस्ट बेल्ट उतार लिया जाएगा, और जैसे ही आपकी फाइल के सभी लोगों का हो जाएगा वेरिफिकेशन, आपको छोड़ दिया जाएगा। एक तरीके से पूरी एक फाइल का कम्प्लीट होगा, तभी आप जा पाएंगे, क्योंकि जब मेरी निकला था तब दूसरे नंबर की फाइल बैठी थी, क्योंकि उनका किसी का डॉक्यूमेंट हो नहीं पाया था, इसीलिए उन सारी फाइल वालों को बिठा रखा था, मतलब दो नंबर वालों को नहीं छोड़ा और आप लोग फाइल को छोड़ दिया, जल्दी छोड़ दिया। तो यही प्रोसेस रही, और कुछ एडिशनल भी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, वो तो यही बिल्कुल आराम से, दिक्कत नहीं हुई। कितने बजे एंट्री ली थी अपने? 6 बजे। मैंने 6 बजे एंट्री ली। और कितने बजे आप छूट गए? 2:30 बजे। 2:30 बजे छूट गए। तो चलिए अब मेनली जानते हैं कि अभय का स्कोर कितना हुआ है पूरा फाइनल, और वहाँ कितना स्कोर होता था जहाँ ये प्रैक्टिस करता था राजगढ़ में, और यहाँ कितना स्कोर हुआ है? हाँ अभी बताओ। मेरा स्कोर हुआ 77। ओके, और ऐसे मेरा स्कोर था 74 से मैं ऊपर गया ही नहीं। हाँ, मतलब आपका टारगेट वैसे 80 का था, मेरे को मेरा 83 का टारगेट था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि लॉन्ग जंप में काम। अभय का स्कोर हुआ है 77, सुना आपने, काफी मेहनत के बाद 77 स्कोर बना है। ये गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब कोई ट्रैक दौड़ने के लिए नहीं है। आप जहाँ शहरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास फैसिलिटी तो है कम से कम, तो वो अपने हिसाब से उन्होंने ट्रैक बनाया वहाँ पे, लॉन्ग जंप भी खोद के खुद प्रैक्टिस करी है, उसके बाद 77 स्कोर करना, मतलब काबिले तारीफ है। इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए और फिजिकल दिया भोपाल में। अभी आपका टोटल कितना स्कोर हो रहा है? टोटल 154 नंबर, 154 बन रहा है ओबीसी से। पेपर में कितने? 77। मतलब दोनों 77 स्कोर है इनका, 77 इनका लक बिल्कुल अच्छा रहेगा, थाला फॉर अ रीजन। तो 77 स्कोर हो रहा है, बहुत बढ़िया है, 154 टोटल हो रहा है। और कुछ लोगों के क्या स्कोर बने वो भी थोड़ा बताइए हमें। फाइल में, मेरी फाइल में एक 63 वाला था, फिर 50, 52, 55 एक का 66 थे बस, मतलब ये इनकी फाइल में सबसे हाईएस्ट थे, और एक 73, बाकी सारे कम। जैसे पहली फाइल था उसका जो हाईएस्ट था वो 66 था, सेकंड वाली का 72 था, फिर जो तीसरे नंबर की थी उसका 76 था, चौथे नंबर की जो थी उसका भी 76 हाईएस्ट था, पांचवी नंबर की थी उसका 77 मेरा था, जो सिक्स नंबर की थी उसका 87 था, फिजिकल था 87 का बना, और उसी की फाइल में एक 78 वाला भी था, 78 वाला भी था, मतलब वो दोनों हाईएस्ट थे लगभग, 87, 78, फिर आपका 77। और बाकी मैंने उन लोगों से पूछा तो सबका स्कोर जो था डाउन गया,
जैसा वो आप कर रहा हो तो कम से कम 5 से 6 नंबर सबके डाउन में है। ठीक, तो डाउन इन द सेंस ऐसा हो रहा है कि हम भी कहीं भी जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपने हिसाब से नंबर कन्वर्ट करके जोड़ते थे, तो हो सकता है हम लोग ऊपर का नंबर दे देते थे, हल्का सा 0.1 ऊपर का है तो दे दिया। अब एक लड़का था जिसके थी 2 choice और कुछ पॉइंट में था और उसका एक पॉइंट इधर सा रख गया है तो उसके नंबर एक एक नंबर चला रहा है। पॉइंट माइक्रो सेकंड से भी अगर अपना ऐसा होता आपने चॉइस आ गई तो अपन 22-23 नंबर जोड़ेंगे और उसका जैसी 25-26 होगी तो वो जोड़ेंगे, लेकिन उसमें पल्स वाला है, पल्स वाला वो 1 second माइक्रो सेकंड के कारण पूरा खेल बिगड़ रहा है। तो इसीलिए एक्यूरेसी से नंबर जुड़ रहे हैं ना, तो इसलिए सभी के 1-1, 2-2, 3-3 नंबर लेस हो रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं आपके डाउन होंगे, मैक्सिमम लोगों का यही अब कट ऑफ चलेगा। अब आप देख लीजिए आज पूरे दिन भर में एक ही ने क्रॉस किया है, वो भी 87, वो उसका 90 प्लस बनता था 91-92 और बाकी फिर 78-77-73 यही स्कोर हो रहा है। वीडियो पे काफी मेहनत करी हमने, अभय ने भी साथ दिया सुबह से थके हुए उसके बाद भी, तो इनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छा स्कोर किया है इनने और घर जाके काफी सेटिस्फाई रहेंगे कि मेरा अच्छा स्कोर हुआ है कंपेरेटिवली जो दूसरों के स्कोर हुए हैं, क्योंकि सबके डाउन भी हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, आगे और ऐसे अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत लोग वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। कमेंट में और कोई आपके आप क्वेश्चन रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट करना, तो आपको और उसका भी सॉल्यूशन हम बताएंगे। घबराए नहीं, बहुत अच्छे से फिजिकल हो रहा है, आपको कोई बाहर नहीं करेगा डॉक्यूमेंट में, एकदम से आपको समय दे देंगे और बाकी चीजों भी आपका बहुत अच्छे से चल रही है। तो अभय को फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको ऑल द बेस्ट, जिनका भी कल फिजिकल है और हर दिन फिजिकल होने वाला है तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।